मोदी हाय 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 मोदी हाय हाय नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। वहीं सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले बिहार विधानसभा के परिसर में विपक्ष के नेताओं के द्वारा गजब का हंगामा देखने के लिए मिला। जी, आपको बता दें कि विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे थे और इन तख्तियों के जरिए वे लगातार बिहार सरकार से मांग कर रहे थे और उन पर कटाक्ष भी कर रहे थे। जी, आपको बता दें कि एक तरफ जहां भाकपा माले के विधायक के द्वारा 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही थी, तो वहीं राजद के विधायक साफ तौर पर जिस तरह से लगातार पिछले दिनों पुलों के गिरने का सिलसिला जारी रहा, एक के बाद एक लगातार पुल गिर रहे थे, तो उसे लेकर के सरकार पर कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या कुछ कहा भाकपा माले के विधायक और राजद विधायक ने, आप पहले खुद सुन लीजिए। आज तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार विधानमंडल ने 65% कानून को बनाया था आरक्षण का, लेकिन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और नीतीश जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो बाईपास जाने की जरूरत नहीं है। अब तो बिहार में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, संसद के अंदर कानून पर बिल लाना चाहिए और बिल लाकर जो है 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो पिछड़ा दलित अति पिछड़ा ट्राइबल के साथ चीटिंग और गद्दारी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और ये गद्दारी बिहार के अंदर चलने नहीं देगी। CPIM इसका पर्दाफाश सड़कों पर कर रही है, सदन के अंदर भी करेगी। हाँ, हेलो, पैच पैच पैच, हाँ पैच सरकार। अब लगातार जिस तरीके से डबल इंजन के सरकार में एक एक दिन में दो दो पुल गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए, पुल गिरना है तो गिर जाए, लोगों को जो क्षति पहुंचना है वो पहुंच जाए। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हाल है, आए दिन देखा जाता है कि जिस तरीके से पदाधिकारियों के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अफसरशाही का बोलबाला है, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा हुआ है। जो बिहार का स्थिति है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, अब उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत पुल गिराया जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि सरकार के बैठे हुए जो आला अधिकारी हैं और ठेकेदार से मिली भगत कर करके और 30-30% बिलो कर करके टेंडर लिया जाता है, तो उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा नहीं तो भ्रष्टाचार कम होगा क्या? तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, उनसे सरकार नहीं चल रहा। मौजूद है यहाँ मुकेश रोशन जी, क्या बना है मुकेश जी? सवाल अनेकों है। एक तो बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो गया है, और दूसरा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से मांग किया गया था। इसकी आगे बढ़ाते हुए विधानसभा के दोनों सदनों से, विधानमंडल के दोनों सदनों से पास होकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये प्रस्ताव गया था। आज तो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र में शामिल है मंत्री विभिन्न दलों के, वो मांग कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप किससे मांग कर रहे हो? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तीसरा, बिहार में जो जातीय गणना हुआ, आरक्षण का दायरा बिहार सरकार ने बढ़ाया, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि 9वीं अनुसूची में लागू करे आरक्षण के दायरे को, और नहीं तो ये बीजेपी वाले ऐसे ही करते रहेंगे, PIL करते रहेंगे और ये हमारा मामला चलता रहेगा। अरे विपक्ष हम है नहीं, विपक्ष के नेता सब तेजस्वी यादव यहाँ है, उनके यहाँ भले कोई दूसरा होगा, हमारे यहाँ तो सब तेजस्वी यादव ही है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से एक तरफ जहाँ भाकपा माले के विधायक 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में
शामिल करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं राजद के विधायक मुकेश रोशन के द्वारा साफ तौर पर पुल गिरने का जो सिलसिला जारी था उस मुद्दे को उठाया और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर दिया है। आपको बता दें कि आज बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष की ओर से हंगामा देखने के लिए मिल सकता है, तो कुछ वैसा ही सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही देखने के लिए मिला और जो विपक्ष थी उसकी ओर से लगातार सरकार पर जो हमले हैं वो किए जा रहे थे। इसके साथ ही लगातार नारे भी सुनाई दिए इस दौरान। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्यवाही के दौरान सदन के अंदर आखिर कौन से मुद्दे उठते हैं और क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर के सरकार घिरती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।